है सर इसका और मकसद क्या है? एक मिनट, जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है और 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, उस संदर्भ में हमने आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट हो सके, QR कोड से पेमेंट हो सके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सके, और उनके लिए दो बैंकों को चिन्हित किया गया है। एक है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और दूसरा है HDFC बैंक। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं, जिस अकाउंट नंबर में, जिस IFC कोड में पैसा डिपॉजिट होना है, और 2-3 दिन में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि उसकी परमिशंस जो है भारत सरकार से लेनी पड़ती है, जो भी विदेशों से डोनेशन आती है। मैंने उस संदर्भ में बात भी की है और विदेशों से कई साथी हमारे जो हमारे टाइम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी हिमाचल के काफ़ी लोग वहाँ ठहरे हैं, वो हिमाचल के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो 2-3 दिन में वो भी जारी हो जाएंगे। अभी विदेशी पर्यटकों को, विदेशी जो हिमाचली लोग वहाँ बसे हैं, उनको समस्या आ रही है, तो मैं सभी, अभी काफ़ी लोग इसमें दान कर चुके हैं, कोई बेंगलोर वाले हैं, कोई गुड़गांव वाले हैं, कोई दिल्ली वाले हैं, कोई कलकत्ता वाले हैं। तो इस त्रासदी के अवसर पर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और क्योंकि कई यूथ साथी, स्कूल के बच्चों का भी मुझे फ़ोन आया, तो उनके लिए हमने QR कोड के द्वारा, गूगल पे के द्वारा ये हमने जारी किया है। QR कोड के द्वारा वो अपनी राशि दान कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने ठीक ढंग से उसको देखा नहीं है, लेकिन अभी तक तकरीबन ऑनलाइन और जो पेमेंट होगी उसकी रिसीप्ट उनके मोबाइल पर एकदम आ जाएगी, उनकी पेमेंट होगी और उसकी रिसीप्ट भी मिलेगी। अभी मुझे पता लगा कि तकरीबन अभी तक कोई ज़्यादा, मेरे को अभी इस बारे में पता नहीं कि कितनी राशि है, लेकिन कई चेक हमारे प्रोसेस हो रहे, तो तकरीबन 40-50 लाख के करीब राशि आ जाएगी, आ गई है। एक और सवाल है सर, ये कहा जा रहा है कि आपदा के समय में एक तरफ जहां राज्य सरकार जो है वो इस तरह की योजनाएं चला रही हैं कि जिस तरह से लोग जो है वो दान कर सकें इसमें, दूसरी तरफ जो आपदा जहां पर आई है उन इलाकों में, वहां पर अब जिस तरह से रेस्क्यू आपने किया, लेकिन अब ओवरचार्ज की समस्या आ रही है होटलों में। नहीं, वो तो खत्म हो गया, एक ही जगह थी, बस की थी, वो हमने उसकी एक्शन ले लिया। ये पहली बार है कि कहीं ऐसी शिकायत नहीं आई। वो एक बस HRTC ने किया था, जिसमें कहा था कि वो स्पेशल बसें लगाना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैंने इंक्वायरी कराई है, और वो स्पेशल बसेस होटल वालों के लिए उन्होंने कहा था, तो वो पता हमें बाद में लगा, हमने उस बारे में एक्शन भी ले लिया। और कुछ नहीं, ढाबे रेस्टोरेंटों के लिए तो हमने लंगर लगाया, तो कोई ऐसी बात नहीं। सर, आपदा मेनू रिलीफ में बदलाव किए जाने की बात आपने कही थी, कब से ये बदलाव होगा और बदलाव हुई राशि कैसे मिलेगी? देखिए, आपदा जो रिलीफ मैनुअल जो है उसमें जो नुकसान होता है उसमें 10,000 रुपये मिलते हैं, और किसी का मकान गिरता तो 1,45,000 मिलते हैं। अब मैंने स्पॉट पर जाकर 1,00,000 रुपए की घोषणा की है कि जो भी फौरी राहत है, जिसका मकान गिरा है, जिसका मकान अधूरा है, जिसके मकान में सिल्ट भर गई है, जिसका मकान आधा गिर चुका है, जिसके मकान की सारी बिलोंगिंग्स जो कपड़े हैं सारे बह चुके हैं, उन सबको मैंने एक निश्चय किया कि उन सब लोगों को फौरी राहत के तौर पर 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। अब समस्या आपदा जो रिन्यूअल मैनुअल है उसको बदलने की है, और जो भारत सरकार का आपदा रिन्यूअल मैनुअल है उसमें सड़क रिपेयर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 1,25,000 मिलता है, तो इस दृष्टि से तो हमारी सड़कें कभी पूरी ही नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने रिसोर्सेज से इस आपदा राहत मैनुअल को मैं बदलाव करने जा रहा हूँ। इस त्रासदी के मौके पर मुझे बदलाव करना भी चाहिए, और जिनके घर मिले हैं और जिनको वह, उनके बारे में हम एक नया मैनुअल लेकर आ रहे हैं, जिसकी कि आज बैठक हमारी शाम को 6 बजे है, उसके बाद हम उस मैनुअल को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा, वो सारे दृष्टिकोण से हमने कह दिया है।
और जिनको भी अभी फौरी राहत मिल रही है, अभी तो हमने फौरी राहत दी है, इसके बाद राहत कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चला हुआ है। फौरी राहत के तौर पर सबको 1,00,000 रुपया हम मैंने देने की बात की और 1,00,000 रुपया सबको मिलेगा। बहुत सर, विपक्षी ये कह रहा है कि आपदा के समय में डीजल पर वैट नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये उन्होंने। धन्यवाद। नगर निगम की कुछ सेवाओं को ऑनलाइन करने की धन्यवाद।